हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्कल लैब की न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक चीज के बारे में। दोस्तों ये है एक एसटीआर मॉड्यूल, इसको एलईडी टीवी या कोई भी एसएमपीएस जिसमें आपका ये आईसी खराब हो गया, मेन आईसी नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो ये चीज लगाया जाता है। इसमें बहुत ही कनेक्शन सिंपल है, 5 तार को लगाना होता है इसमें, और इसको देके आप कोई भी एसएमपीएस चालू कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का चार्जर, मतलब कोई भी नहीं है जो सिंपल इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में आता है, तो वो मैं बाद में वीडियो में बताऊंगा। तो 80% एसएमपीएस को आप इससे चालू कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में इसकी पूरा कनेक्शन, पूरा डिटेल्स, कितना वाट तक की लोड लेगा, कहाँ पे मिलता है, कितना प्राइस पे मिलता है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मेरा एसएमपीएस है, इसमें TNY176 नाम का एक आईसी लगा हुआ है। इस आईसी को मैंने एक वीडियो में चेंज किया था, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, उसमें एसएमपीएस की जुड़ी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। इस एसएमपीएस में मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो इसकी नाम होता है DM0565R, इसकी जो मेन आईसी इसकी नाम होता है, तो इस नाम को देके डाटा सीट सर्च करने से इसकी डाटा सीट मिलेगा, वहां से इसकी पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और उस डाटा सीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। ये चीज जो मैक्सिमम लोड लेता है वो 60 वाट की सप्लाई, मतलब ये जो एसएमपीएस है ये आपका 60 वाट तक ये सपोर्ट करता है। जैसे 12 वोल्ट 5 एम्पियर तक की जो एसएमपीएस आता है, या फिर 24 वोल्ट 2 एम्पियर, इस तरह की जो एसएमपीएस है वो 60 वाट के नीचे होता है, तो उसमें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन एसएमपीएस में जो आउटपुट होता है उसमें बहुत सारा आउटपुट रहता है, जैसे कि 5 वोल्ट 12 वोल्ट, तो हर एक वोल्ट के साथ उसकी एम्पियर को गुण करेंगे और उन सब को टोटल कर देंगे, तो इस एसएमपीएस का टोटल आउटपुट जो है उसकी वाटेज मिलेगी। अगर वो 60 वाट से कम रहा तो इसको आप यूज कर सकते हैं। वाटेज इक्वल्स टू होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। तो दोस्तों इसमें कनेक्शन करने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया, ये जो डायग्राम है इसके अनुसार इसको कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 5 कलर की तार है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 कलर की तार है, ये 5ों कलर को मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक डायग्राम बना दिया। तो पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसकी कलर की कौन सी कलर कहाँ पे जाएगी वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले एक 450 वोल्ट या 400 वोल्ट की एक हाई वोल्टेज कैपेसिटर रहेगी, वो रहेगी आपका ब्रिज रेक्टिफायर के बाद, ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हाई वोल्टेज कैपेसिटर रहेगी। तो मेरे केस में ये 2 कैपेसिटर है, ये पाई फिल्टर बना हुआ है, कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर, इस तरह के फिल्टर से अच्छे से डीसी बनता है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं रहता है। तो इसकी जो लास्ट वाली कैपेसिटर है इसको हम देखते हैं, यहाँ से इनपुट हुआ ब्रिज रेक्टिफायर से, फिर आया इस इंडक्टर में, फिर आया इस कैपेसिटर में। ओके, तो ये जो लास्ट वाली कैपेसिटर, ये 450 वोल्ट की मेन कैपेसिटर है। ये जो ग्राउंड की जो सिंबल मैंने लगाया, जहाँ पे भी लगाया, ये सब एक साथ कनेक्टेड है और ये माइनस है इस कैपेसिटर के। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना। और इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो है, ये मेन ट्रांसफार्मर, इसके अंदर 3 कॉइल रहता है। नॉर्मली किसी भी सिंपल सप्लाई है उसमें 3 कॉइल रहता है, 4-5 कॉइल रह सकता है वो आउटपुट में, अलग अलग आउटपुट देने के लिए, जैसे 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट 12 वोल्ट, इस तरह का अलग आउटपुट देने के लिए अलग अलग कॉइल रह सकता है। लेकिन सबसे सिंपल है 3 कॉइल, 2 है प्राइमरी साइड में और 1 है सेकेंडरी साइड में। तो सेकेंडरी साइड में से हमें लेना देना नहीं है, हमें प्राइमरी साइड देखना है। तो प्राइमरी साइड में आपको देखिए 2 कॉइल मिलता है, एक है सबसे बड़ा कॉइल जिसमें टर्न ज़्यादा रहती है और इसमें मल्टीमीटर में ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगी, और एक है छोटा कॉइल जो इस जो आईसी यहाँ पे लगाया गया है, इस आईसी को पावर देने के लिए और कभी कभी इसको रेगुलेट करने के लिए, यानी पावर सप्लाई के कितना वोल्टेज पे इसको रेगुलेट करना है वो करने के लिए भी ये कॉइल को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पावर सप्लाई में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्टो कपलर है, तो इसलिए ये रेगुलेशन के लिए नहीं, रेगुलेशन ऑप्टो कपलर से होती है और ये इस आईसी को ओनली पावर देने के लिए ये कॉइल रहती है। तो इन दोनों कॉइल को आप पहचानोगे कैसे? ये जो बड़ा कैपेसिटर है हाई वोल्टेज की, इसी से पॉजिटिव जो है, इसकी पॉजिटिव से ये जुड़ा हुआ रहेगा एक कॉइल की एक टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और इसकी जो पॉजिटिव है इस साइड में, तो इससे जुड़ा हुआ देखिए एक कॉइल की टर्मिनल, तो ये है हमारा मेन प्राइमरी कॉइल। ओके, तो इसी का जो नेगेटिव टर्मिनल ये आईसी में गया, और कभी कभी हो सकता है ये मॉस्फेट में जाता है, बड़ा मॉस्फेट अगर रहता है तो। ओके, बाकी जो हमारा छोटा कॉइल है, यहाँ पर जो छोटा कॉइल है इसकी जो है टर्मिनल, ये है ग्राउंड टर्मिनल, जो कि यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, और जो बाकी टर्मिनल है इसकी,
ये यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मेरा ये जो आईसी है ये एक स्पेशल टाइप की आईसी है, इसको ये पावर जरूरत नहीं होता है, वो दूसरा एक रजिस्टर जो कि स्टार्टअप रजिस्टर होता है उसी से पावर वो ले लेता है। लेकिन किसी किसी आईसी को पावर देने के लिए यहाँ पे एक सर्किट लगाया जाता है जो कि एक डायोड रहती है और एक छोटा कैपेसिटर रहती है लो वोल्टेज की। ओके, तो ये लो वोल्टेज की कैपेसिटर जैसे ये चार्जर में आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट की कैपेसिटर है। तो इसको जैसे चार्ज करने के लिए यहाँ पर देखिए एक डायोड दिया गया है, इस तरह के एक डायोड और एक कैपेसिटर रहेगी, तो वो है आपका छोटा कॉयल। ओके, प्राइमरी साइड में, और जो सेकेंडरी साइड से जो आउटपुट आपका निकलती है उस साइड से एक ऑप्टो कपला लगा हुआ रहता है। तो ये मेरा सेकेंडरी साइड है, ये आउटपुट कैपेसिटर, यहाँ से एक ऑप्टो कपला लगा हुआ होता है। ये ऑप्टो कपलर मतलब इसके अंदर एक एलईडी है, इन्फ्रारेड एलईडी, और इस तरह एक लाइट डिपेंडेंट ट्रांजिस्टर है, लाइट से एक्टिव होने वाली। तो इस एलईडी जलता है तो ये लाइट एक्टिव ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाती है और ये इस साइड को रेगुलेट करता है। क्योंकि यहाँ पे एलईडी एलडीआर क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है इसकी जो सेकेंडरी साइड और प्राइमरी साइड के बीच में सेपरेशन देना होता है, जैसे कि इस साइड से गलती से भी वोल्टेज इस साइड ना आए। तो ये आईसी अगर ख़राब भी हो गया तो भी इस साइड से वोल्टेज इस साइड नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर एलईडी है और एक ट्रांजिस्टर अलग अलग है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ऑप्टिकल कनेक्शन होता है। तो इसी से ये रेगुलेट होता है, जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट मतलब आ गया, जैसे इसकी वोल्टेज होता है मान लीजिए 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट अगर आ गया तो ये ऑप्टो कपलर की एलईडी जल जाती है अंदर से और ये इस दोनों पिन को शॉर्ट कर देता है और ये आईसी को पता चलता है कि वोल्टेज आ गया, आप रुक जाओ। ठीक है, तो इस तरह की ये रेगुलेशन होती है। तो ये है इसकी सर्किट। तो इस ऑप्टो कपलर की जो पिन नंबर आपको दिखा देता हूँ, ये बाद में काम आएगा। ये है जो पहला पिन, ये डॉट बना हुआ, ये है पिन 1। ओके, इसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा PC 817, और ये है पिन 2, ये है पिन 3 और ये है पिन 4। ओके, ये पिन 4 हमारा काम आएगा, इसको आप याद रखना। ओके, इसकी जो ब्लैक और ग्रीन वायर, ये है हाई वोल्टेज की वायर। ओके, ब्लैक और ग्रीन, ब्लैक में लगेगा आपका इस जो हाई वोल्टेज की कैपेसिटर, इसकी नेगेटिव साइड, यहाँ पे लिख दिया 450 वोल्ट की कैपेसिटर की नेगेटिव साइड, यानी इस पॉइंट पे लगेगा। ओके, और जो ग्रीन वायर वो इसी कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड में लगेगा, यानी हाई वोल्टेज की जो कैपेसिटर है उसकी पॉजिटिव साइड में लगेगा ग्रीन वायर। ओके, तो ब्लैक ग्रीन हो गया। और जो येलो वायर, ये जो SM ट्रांसफार्मर की जो आपका एक कॉयल इसकी पॉजिटिव के साथ जुड़ा है और उसी कॉयल की जो अदर टर्मिनल जो कि सेकंड टर्मिनल ये है, ये आईसी में जाएगा या फिर कोई मॉस्फेट में जा सकता है, तो उस आईसी या मॉस्फेट को आप खोल दीजिए और उसी में ये लग जाएगा येलो वाले वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया वाई करके, और ये येलो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की नेगेटिव, यानी ये जो पॉजिटिव हुआ और ये हुआ नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है यहाँ पे। ओके, और जो आपका रेड वायर, रेड वायर से इसी आईसी को सप्लाई देना होगा, ये आईसी सप्लाई मिलती है इसको रेड वायर से। तो ये लो वोल्टेज कैपेसिटर जो प्राइमरी साइड में रहेगा, प्राइमरी साइड की लो वोल्टेज कैपेसिटर, उसकी जो पॉजिटिव है वहां से लगेगा ये रेड वायर। ओके, तो ये जो सप्लाई है इसमें ये कैपेसिटर दिया हुआ है, मेरा इसमें नहीं है, मैंने आपको बताया। तो इस कैपेसिटर की जो पॉजिटिव साइड है, ये जो साइड पॉजिटिव, इस साइड में ये लगेगा यहाँ पे आपका ये रेड वायर। ओके, हो गया। अब इसकी जो व्हाइट वायर, ये लास्ट वाले वायर, ये लगेगा आपका ऑप्टो कपलर की 4 नंबर की पिन से। ओके, जो यहाँ पे डॉट बना हुआ है इससे सीधा सीधा जो पिन यहाँ पे आता है इस साइड में, यहाँ पर लगेगा ये व्हाइट वाली वायर। ओके, हो गया। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसकी डाटा शीट को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख के पता कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा और जानकारी आपको दे देता हूँ, हो सकता है आपका सर्किट में ये जो सर्किट है मेरा, ये जो सप्लाई देने वाला, ये मेरे जैसा सर्किट हो सकता है, तो ये आपका सर्किट में नहीं हो सकता है। तो आप कोई भी चार्जर से ये वाला कैपेसिटर को और एक डायोड, किसी भी डायोड चलेगा, इस तरह की कोई भी डायोड आप यहाँ पर खोल के यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की सर्किट होना चाहिए। ये इसकी जो एक टर्मिनल ग्राउंड किया हुआ रहेगा माइनस के साथ, इस हाई वोल्टेज कैपेसिटर के माइनस के साथ। ओके, इसकी माइनस, और जो बाकी पॉइंट है उसी से ये डायोड, और डायोड के बाद से ये कैपेसिटर, और वो ग्राउंड हो जाएगी। ओके, तो उसी टर्मिनल को आपको निकाल लेना है, तो मेरे को भी निकालना है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में। और ये जो ऑप्टो कपलर है, इसमें हो सकता है आपका ये ऑप्टो कपलर की पिन 3, ठीक है, पिन 3 मतलब है जो यहाँ पे डॉट बना हुआ है, पिन 1, 2 और ये है 3, मतलब इसकी ये ऐसा डायगोनल बराबर आता है, तो ये पिन 3 आपका ग्राउंड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपको मेक श्योर करना है। ठीक है, अगर आपका सप्लाई में ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है पिन 3,
तो इसको आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दीजिए, कुछ भी सोचने का नहीं है। इसको लेके आप ये जो बड़ा कैपेसिटर है हाई वोल्टेज की, इसकी माइनस में डायरेक्ट लगा दीजिए एक तार से, और बाकी जो चार पिन बचा चार नंबर की, इसमें तो व्हाइट वायर लगेगा, ये आपको पता है। तो आइए कनेक्शन करते हैं और देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। दोस्तों मेरा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें पावर देंगे और देखेंगे। तो पावर देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक सीरीज लैंप, जिसके अंदर से एक तार डायरेक्ट जाती है और एक तार एक 100 वाट की बल्ब के अंदर जाती है। तो ये अगर ये सर्किट में कोई भी मैंने फॉल्ट किया तो वो बल्ब जलता रहेगा, अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगी, तो हमारे कोई नुकसान का चांस यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 वोल्ट और ये 12 वोल्ट दोनों लाइन ठीक से काम कर रही है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल रहा। और दोस्तों इसकी जो बेस्ट बाय लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस सप्लाई के बारे में और दूसरा कोई वीडियोज देखना है, जैसे कि इसकी वोल्टेज को कैसे एडजस्टेबल बनाए और वोल्टेज को कैसे बढ़ाए और ये सप्लाई कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन सी कंपोनेंट का काम क्या है और इसको कैसे रिपेयर करना है, इन सब के बारे में एक एक करके वीडियो आता रहेगा। तो इसके लिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी दबा के रखना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।